देखिए सर, मोदी जी के आज के वहां के आगाज के कई पहलू हैं। जी उसका एक पहलू तो ये है कि उन्होंने रोड शो कैंसिल कर दिया, जो आधे किलोमीटर का होने वाला था राजभवन से लेके और आधे किलोमीटर का, क्योंकि वो एक दिन पहले क्या तो बारिश की आशंका से, जबकि इनकी गुप्तचर रिपोर्ट ये थी कि भीड़ उड़ नहीं आएगी, आपका फ्लॉप शो हो जाएगा, बड़ी आगाही खराब हो जाएगा। इसके पहले अमित शाह का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है वो क्या कहते हैं सब कैंसिल हो चुका है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की मीटिंग में खाली कुर्सियां थी, और फिर उसके बाद जो है संभवतः कटनी है कहीं होने वाला था, वहां पर भी कैंसिल हो गया। तो इनका वो सब रोड शो कैंसिल हो गया, इन्होंने वर्चुअली बात किया है, सब कुछ जुटा के नहीं बात किया है। तो वर्चुअल बातचीत का और सब कुछ जुटा के बातचीत करने का जो एक फर्क होता है ना, वो सभी जो लोग इन वर्चुअल और सामने सामने बात का अंतर जानते हैं वही बात जानते हैं कि वर्चुअली सब लोग कनेक्ट हो गए तो मन की बात हो गई एक प्रकार से, है ना। तो सवाल एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि समान नागरिक संहिता जिसका वो दम भर रहे हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो है फंड वो 644 में है, वो बात एकारी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि समान नागरिक संहिता जरूरी है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहना चाहिए, और हुआ कि जब इसके लिए माहौल तैयार हो, तो यहाँ माहौल तैयार करने के बजाय जबरदस्ती करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। और इसके पहले वाला जो एक केसवा आपका लॉ कमीशन था, उसने कहा था ये कतई जरूरी नहीं है, इसमें बेमतलब है, सर खपाने की जरूरत नहीं है, 22वां आएगा तो विचार करेगा, 22वां आ गया है। ऋतुराज अवस्थी जी हैं उसके चेयरमैन, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और अब वो जो है वो उन्होंने एक परामर्श पत्र जारी किया, उसमें लोगों से मांग रहे हैं। लेकिन अनुच्छेद 24 के रूप में, 44 के रूप में ये फंडामेंटल वो नहीं है, मतलब आपका राइट नहीं है, ये स्टेट पॉलिसी में है, इसलिए बाध्यकारी नहीं है। तो अब सवाल है कि उनका इसी पर, अब आखिर उनको भी तो इलेक्शन लड़ने से कोई मुद्दा चाहिए ना। और फिर दूसरा कि भाई पूरे आप विपक्ष बेईमान है, सबसे पहले मोदी जी को विपक्ष को ये पूछना चाहिए कि अब तक आपने विपक्ष के जिन जिन लोगों पर कार्रवाई की, उनमें कौन सा सबूत आपने अब तक अदालत में पेश किया। चिदंबरम का जो जोर बाग का जो बंगला था, जिसको पीएमएलए में सीज किया गया था, उसको पीएमएलए ट्रिब्यूनल ने सबूत के अभाव में क्यों रिलीज कर दिया। मीसा भारती का जो लालू प्रसाद यादव की बिटिया है, जिनके बारे में कहा जाता था कि इन्होंने सब वो पैसे को लेकर के नौकरी देने के स्कैम के पैसे से खरीदा गया है, दिल्ली का फार्म हाउस जो सीज किया था, उसको भी पीएमएलए के ट्रिब्यूनल ने कई साल पहले रिलीज कर दिया। सीज करने की खबर गोदी मीडिया में आई थी, रिलीज करने की खबर नहीं आई। तो रिलीज कर दिया था, तो फिर जो है आखिर अगर वो पैसे के प्रोसीज से खरीदा गया था, मतलब जॉब स्कैम में एक पैसा जो लिया गया था उससे खरीदा गया, तो आप सबूत क्यों नहीं दे पाए। अभी तक चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया का सबूत आप क्यों नहीं दे पाए। अभी तक आप सिंगापुर की कहां आपने भेजा है सबूत मंगाने के लिए, अभी तक सबूत नहीं आया। जेल में बंद एक महिला के बयान के आधार पर, तो इस तरह तो जाकिया जाफरी कह रहे हैं कि आपने जो है क्या कहते हैं गुजरात के दंगे में आपके आदेश के वजह से तो एहसान जाफरी को खींच करके बाहर जला दिया गया और आपकी पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं। तो उनके कहने पर फिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, और फिर जो ये सब मामला है फिर जाके आपका अदालत पे क्यों नहीं ठहर रहा है। आप कोई भी आरोप किसी से लगवा दीजिए, और लगाने के बाद आप ईडी को दौड़ा दीजिए, और वो कहिए कि वो बेईमान है। अभी जो आपके ऊपर आरोप लगा कि 100 करोड़ का जो आपने जो ड्रोन है, जो इंग्लैंड है अमेरिका से 100 करोड़ में खरीदा है एक ड्रोन, आपने 800 करोड़ रुपया में वो एक ड्रोन खरीदा है, 700 करोड़ कहाँ गया ये, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट राफेल की तरह आपने और लगा दिए। जो कांग्रेस 650 करोड़ में राफेल खरीद रही थी, आपने 1600 करोड़ में खरीदा, तो 1100 करोड़ का कौन सा चीज लगा दिया आपने, आ तो गया है आपके भारत में राफेल, कौन सा लगा दिया है आपने। और जो ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है वो सब हो रहा था कि इसका वो होगा, इसका बनाया जाएगा पार्क, ये वो अभी अनिल अंबानी शुरू कर पाए कि नहीं कर पाए। तो सवाल है कि इतने सवाल है कि सवाल में सवाल कि जिसका कि कोई हिसाब नहीं है। और आप गए, आपसे एक महिला पत्रकार ने संयोग से, वो मुस्लिम थी, उसने एक सवाल आपसे सांप्रदायिकता से संबंधित पूछ लिया, आपकी पूरी ट्रोल आर्मी उसको ट्रोल करने पर लग गई। व्हाइट हाउस से आपको किसको चेतावनी मिली है कि ये जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये जो है वो क्या कहते हैं न्यायोचित नहीं है।
तो वहां से भी आपको बाइडन इसमें जो है नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, वॉल स्ट्रीट जनरल की पत्रकार के खिलाफ जो आपने भारत से ट्रोल शुरू कर दिया है। सवाल है कि आप आए और आपने आने के बाद जो समान नागरिक संहिता क्या है, पर्सनल लॉ को जब छोड़ दिया गया था, पर्सनल लॉ के हिसाब से जब किसी को कोई आपत्ति नहीं, तो आप सबसे बड़े अगर मुस्लिम महिलाओं के जो है वो हैं पहरुआ हैं, तो आप अपनी पत्नी के बारे में क्यों नहीं बता दे कि आपने किन परिस्थितियों में उनको परित्यक्त कर दिया। किसी परित्यक्ता की समाज में क्या हैसियत होती है, न हिंदू मुसलमान सभी इस बात को जानते हैं कि अगर पति ने किसी पत्नी को जो है रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया होता है किसी भी वजह से छोड़ दे, तो उसकी सामाजिक अवमानना होती है कि भाई इसके पति ने इसको क्यों छोड़ दिया। तो सवाल इस बात का है कि अब आप कहने के लिए जो भी कह दीजिए, आप पूरे देश भर को जेल भेजवा दीजिए, हम लोग पांच आदमी बहस कर रहे हैं, पांचों आदमी को जेल भेजवा दीजिए, सरकार आपकी है, आप जो चाहें वो करें। तो फिर झूठ क्यों बोलते हैं विदेश में जाकर के हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र हमारे नसों में है, लोकतंत्र हमारी जड़ों में है, लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। डीएनए तक आपने कह दिया कि लोकतंत्र आपके डीएनए में, ये लोकतंत्र है? अरे आप बिल्कुल जो भ्रष्ट लोग हैं उनको पकड़िए, लेकिन भाई उनके खिलाफ सबूत भी तो दीजिए, और फिर अगर वो आपके साथ हैं तब आप नहीं पकड़ते, और अगर वो कहीं दूसरे खेमे में चले गए, जैसे आपका तमिलनाडु में सेंथिल बालाजी, वो जो मिनिस्टर है वो AIDMK में मिनिस्टर था जिस समय का, उसके ऊपर है वो पैसा लेके नौकरी देने का आरोप, अब वो डीएमके में आ गया और डीएमके मंत्री बन गया, तो अब आपको याद आ गया अच्छा अब ये टारगेट है। जब वो AIDMK में था और आपके साथ था, आपका एलआई था, तो आपने उसके ऊपर क्यों नहीं ईडी की कार्रवाई की? शुभेंदु अधिकारी पर ईडी की कार्रवाई क्यों बंद हो गई? मुकुल राय पर ईडी की कार्रवाई क्यों बंद हो गई? बाद में मुकुल राय आपको धोखा देकर चले गए उसमें, हालांकि फिर मुकुल राय आपके साथ आ गए हैं। तो सवाल इस बात का है कि जो आपके साथ रहे वो पवित्रा नाम, और जो दूसरे के साथ चला जाए वो महापापी, और फिर आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और सबूत आपके पास है नहीं। आप खाली एक धारा PMLA की है कि जिसमें आप अगर उनको शक हो या लगता हो कि आपने कोई गड़बड़ी की है तो अरेस्ट कर सकते, तो ये तो काला कानून है, जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर सके। और इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को भी संदेह के घेरे में रखता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये नहीं तय किया कि PMLA एक्ट को जो आपका फाइनेंस एक्ट के रूप में पारित कराया गया था, तो फाइनेंस एक्ट के रूप में पारित हो सकता है कि नहीं, संविधान पीठ सामने है, आगे सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों नहीं डिसाइड करता? जो सुप्रीम कोर्ट ने PMLA का मामला डिसाइड भी हुआ, तो उसमें भी जस्टिस खानविलकर ने यही कहा कि जब वो डिसाइड होगा तब उसके अनुसार जो संशोधन होगा इसमें हो जाएगा, आज की डेट में PMLA उपयुक्त है। अभी PMLA का एक और मामला अभी जो कोर्ट में विचाराधीन है। सवाल इस बात का है कि कोर्ट भी इस तरह के मामले को लटका लटका के रखती है, और जो मामले कम महत्वपूर्ण है उनको, जो दूरगामी प्रभाव के मामले हैं उसको पहले आपको, और संवैधानिक मामले उसको डिसाइड कीजिए, तब पता चलेगा कि आप ईमानदार हैं कि नहीं। जी